हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जिसका नाम है मैक्सिकन पिटोनिया। ये सालों साल चलने वाला पौधा है, परमानेंट प्लांट है। तो आज हम बात करेंगे इसी प्लांट के बारे में। तो पहले देख लीजिए इसके फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, ब्यूटी एंड गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले देख लीजिए मेरे गार्डन का मेरा फेवरेट कॉर्नर। और अब हम आ जाते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट पे। दोस्तों ये जो प्लांट है इसका नाम है मैक्सिकन पिटोनिया। इसके फ्लावर्स पिटोनिया के जैसे ही होते हैं जो हमारे विंटर में आते हैं। उसमें ढेरों कलर्स, ढेरों वैरायटीज होती हैं, लेकिन इसमें मैंने तीन वैरायटी ही देखी है। एक जो आप देख रहे हैं लाइट पर्पल कलर का, इसके अलावा एक पिंक और एक वाइट कलर भी मैंने देखा है। पिंक और वाइट जो होते हैं वो ड्रॉप वैरायटी होते हैं, और ये जो है ये थोड़ा सा टॉल वैरायटी है जो आप देख ही रहे हैं। इसके जो लीव्स होती हैं दोस्तों, वो जो हमारा पिटूनिया प्लांट होता है उसकी लीव से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, आप देख ही सकते हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी सी लंबी हैं। लेकिन दोस्तों ये जो प्लांट है एक परमानेंट प्लांट है, आपके गार्डन में सारे साल रहने वाला है, और इसमें फ्लावरिंग भी रुक रुक के होती ही रहती है। तो साल भर आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। ये जो प्लांट है बीजों से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। वैसे तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है, बस आप एक बार इसको लेके आ जाइए और ये सीड से अपने आप ग्रो हो जाता है। आप इससे परेशान हो जाएंगे, ये इतना फास्ट ग्रो करता है। लेकिन इसमें फ्लावर्स भी ढेरों आते हैं, और बंचेस में फ्लावर्स आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, मैं छोटी सी कटिंग लाई थी और उससे आप देखिए मेरे पूरे गार्डन में ये प्लांट फैला हुआ है, क्योंकि इसमें सीड्स बनते रहते हैं और सीड अपने आप ही फैलते हैं, अपने आप ही उसमें से बेबीज निकलते रहते हैं। इसके अलावा ये जो प्लांट है अपनी रूट्स बहुत फास्ट ग्रो करता है, और रूट्स के साइड्स में से भी इसमें बेबीज निकलते ही रहते हैं। इसलिए इस प्लांट को अगर आपके पास है या आप लाना चाहते हैं तो एक सेपरेट पॉट में इसको लगाएं, क्योंकि अगर आपने किसी दूसरे प्लांट के साथ में इसको लगाया ना तो दूसरे प्लांट की ग्रोथ होने ही नहीं देगा। ये इतना फास्ट अपनी रूट्स को ग्रो करता है और इतना ही फास्ट ये खुद भी ग्रो होता है। अब मैं आपको बताऊँ इस प्लांट की सिंपल केयर। दोस्तों इस प्लांट को जो है आप जब भी लगाते हैं तो आप ऐसी मिट्टी लगाएं जिसमें बालू मिट्टी ज़्यादा हो। आप अपनी गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें बालू मिट्टी ऐड कीजिए और थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट ऐड कीजिए, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा कंपोस्ट नहीं चाहिए होती है। ये प्लांट आराम से अपने आप ही ग्रो करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। ज़्यादा केयर की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। तो मिट्टी मैंने आपको बता दी एकदम सिंपल रेडी करनी है। पानी के बारे में बताऊं दोस्तों, तो इसको मिट्टी मॉइस्ट पसंद आती है, क्योंकि ये जो प्लांट है हम इसको धूप में रखते हैं, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इसको मिट्टी मॉइस्ट ही पसंद आती है। अगर आप बीच में एक दो दिन इसको पानी देना भूल जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लांट उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ओवर वाटरिंग ये प्लांट बर्दाश्त नहीं करता है। वैसे भी ओवर वाटरिंग तो कोई भी प्लांट बर्दाश्त नहीं करता है, ये बातों मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती ही हूँ। ये देखिए जो मैंने आपको कहा था ड्रॉप वैरायटी जो है ये पिंक कलर का मेरे पास है, ये भी बहुत आराम से कटिंग से चल जाता है। आगे बात करते हैं इसके सन रिक्वायरमेंट के बारे में। जैसे कि दोस्तों ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको जो है 3 से 4 घंटे की सनलाइट ज़रूर दिलाएं, ताकि इसमें अच्छे से ग्रोथ हो और अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हो। ये जो प्लांट है आप देखिए मेरे बहुत सारे मैंने पोर्स इसके बना रखे हैं और अलग अलग बना रखे हैं, ताकि ये दूसरे प्लांट्स को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन फिर भी ये प्लांट दूसरे प्लांट्स के साथ ग्रो हो ही जाता है। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं ये ड्रॉप वाली वैरायटी की है, उसकी कटिंग मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी और ये देखिए आराम से चल गई है। छोटे कंटेनर में भी ये प्लांट आराम से चल जाता है। ये देखिए जो है प्लास्टिक वाली बॉटल है और उसमें भी ये प्लांट बहुत आराम से चल रहा है, मैंने इसको कटिंग से लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास ये प्लांट है और इसमें जो है फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है। दोस्तों ये जो प्लांट है बहुत आराम से चलता है, लेकिन इसको ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप काउडंग डालते हैं तो इसमें ग्रोथ तो आएगी, लेकिन सिर्फ पत्तियाँ ग्रो करेगी, उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, क्योंकि काउडंग में होता है बहुत सारा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जो है सिर्फ ग्रोथ आती है और इसकी लीव्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। अगर आपके पास ये प्लांट है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें जो है बनाना पिल या फिर अनियन पिल का जो है फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किचन वेस्ट जो होता है उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे फ्लावर्स के लिए। कटिंग लगाना भी बहुत आसान है, छोटी सी मैंने कटिंग ली है, नीचे की लीव्स रिमूव कर दी हैं और जो ये नोड एरियाज हैं उसको बस मिट्टी में दबा देना है। दोस्तों कटिंग लगाना ना बहुत आसान होता है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सिंपल ट्रिक है। कटिंग लीजिए, नीचे की लीव रिमूव कीजिए, नोड एरियाज को मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसा आप सब प्लांट के साथ कर सकते हैं और बहुत आराम से आपकी कटिंग्स चल जाएंगी। तो ये है इस प्लांट की छोटी छोटी सी बातें। आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी है? अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों,
किसी और प्लांट के साथ किसी और वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।